नमस्कार, पूनिया बुटीक में आप सभी का स्वागत है। मैं कविता पूनिया सात रोड कैंटीसार से। आज भाई नई सेल्फ आई है, शिफोन के अंदर है। सेल्फ ऐसी है कि कढ़ाई करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने अभी ऑरेंज कलर का डाल रखा है, इसमें सेल्फ है, तो मैंने बिना वर्क करवाए प्लेन सूट डाल रखा है। उसी तरीके से अगर आपको भी प्लेन सूट डालने हैं, एक आध सूट ऐसा होता है कि बिना कढ़ाई के भी चलेगा, तो वो चीज है शिफोन के अंदर। पहली बात तो इसके अंदर फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, चिपका रहेगा ये। दूसरी बात, श्रिंकेज नहीं है, छड़ने का कोई चक्कर नहीं है, कलर जाने का कोई चक्कर नहीं है, बढ़िया कपड़ा है, सॉफ्ट कपड़ा है। तो देखिए सेल्फ, देखिए पहले शिफोन के अंदर ये सेल्फ है, ऑरेंज कलर है। ये देखिए सेल्फ का डिजाइन, ऑरेंज कलर। इसमें मैंने 20-25 कलर करवा के रखे हैं, जिनको जो कलर पसंद आए बता देना। ये देखिए एक सेल्फ है ऑरेंज कलर के अंदर, दूसरा कलर करवा दिया पीच कलर, डार्क पीच है। ये देखिए सेल्फ बहुत प्यारी है और इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अगला सूट है डबल शेड के अंदर, रेट है 1200 का 5 मीटर। और अगर आप टाई डाई करवाते हो जैसे दो शेड के अंदर, अब ये देखिए डबल शेड में नीचे घेरा ऑरेंज हो गया, ऊपर से ग्रीन कलर का हो गया, तो ये चीज भी बहुत अच्छी लुक दे रही है। तो ये है 1500 का 5 मीटर, डबल शेड हो गया इसके अंदर। सेल्फ वही है, सिंगल कलर लेना चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो। ये देखिए दुपट्टे आपके पास है तो उनके साथ भी मैच करवा सकते हो, कंट्रास्ट में ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अगला कलर है रानी कलर है, ये देखिए रानी कलर के अंदर सेल्फ है। कलर बहुत प्यारे प्यारे करवाए हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर है, सेल्फ भी बहुत सुंदर है। अगला इसके अंदर ग्रे सी शेड है, जामुनी सी, ये देखिए बहुत ही अलग सी इंग्लिश कलर है, बिल्कुल प्याजी शेड, ग्रे के बीच की सी शेड है, बिल्कुल अलग ही शेड। अगला है पीच कलर है, ऑरेंज और पीच के बीच की शेड है। शिफोन का सूट है 1200 का 5 मीटर, कैसे भी सिलवाओ अच्छी लुक देगा। ये देखिए कॉफी कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है कॉफी, शिफोन के अंदर सेल्फ है। अगला कलर है इसके अंदर पेट्रोल कलर, ये देखिए बहुत ही प्यारी पेट्रोल की शेड है। उसके साथ है तोतिया कलर, सेल्फ सभी की एक है तो बार बार सेल्फ नहीं दिखा रही, एक बार दिखा दी। ये देखिए कॉफी के अंदर देखिए सेल्फ का डिजाइन, कैमरे में कई बार सेल्फ दिखाई नहीं देती, भी जैसे कलर होते हैं तेज तो उनके अंदर रिफ्लेक्शन में ये दिखाई नहीं देती सेल्फ, एक ही सेल्फ है। कलर देखो कितने प्यारे प्यारे हैं, येलो कलर बिल्कुल चटक येलो है और सर्दियों के टाइम में तेज कलर बहुत चलते हैं। ये देखिए मेहंदी कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। अगला है फिरोजी शेड है इसके अंदर, ये देखिए फिरोजे की बहुत ही प्यारी शेड आ रखी है। और इसके बाद में है ब्लैक कलर, ये देखो ब्लैक कलर, जिनको जो कलर पसंद आए फटाफट उठा लेना। ये देखिए ये हो गया पिस्ता कलर, इलायची शेड होगी, बहुत ही प्यारी शेड है, लाइट शेड। और इसके बाद में है रस्ट कलर, ये देखिए रस्ट कलर, सेल्फ बहुत सुंदर है। और ये रस्ट मतलब डार्क रेड, जैसे ईंट का कलर होता है वैसा कलर है, ये खोरा खोरा कलर है। अगला है ये भी रस्टी है, ये देखो तीन शेड है 19-20 के अंतर में, ये बिल्कुल प्रॉपर रस्ट कलर है। और ये देखिए मैरून और रेड के बीच की शेड है, बहुत ही प्यारी कलर, बहुत ही प्यारा कलर है। अगला है रेड कलर, ब्लड रेड कलर है, ये देखिए सेल्फ सबको दिख रही होगी आपको। इसके बाद में है ये देखिए बेबी पिंक कलर, कलर बहुत प्यारे प्यारे करवा रखे हैं देखिए। अगला है सी ग्रीन कलर, ये देखो सी ग्रीन कलर है। और ये देखिए डबल शेड के अंदर एक और करवा दिया फिरोजी और घिया कलर के अंदर, ये देखो अगर इसका दुपट्टा लेना चाहो तो डबल शेड के अंदर इसका दुपट्टा भी रेडी है, ये देखिए दुपट्टा और ये सूट है। अगला सूट है रेड कलर के अंदर है, रेड और मैजेंटा की शेड है, बीच की मिक्स शेड है, ये देखिए बहुत ही प्यारे कलर है। कलर यूं लगा लो एक से बढ़ के एक है। और ये मेहंदी कलर है, बिल्कुल लाइट मेहंदी कलर। और ये मैरून शेड है, ये देखो मैरून कलर कितना प्यारा कलर है, कलर तो पूछो ना कि इतने प्यारे प्यारे करवा रखे हैं। ये देखिए घिया कलर है, सेल्फ देखो पूरी खुल के आ रखी है इसके अंदर। और ये ग्रे कलर है, ये देखो ग्रे कलर। और ये आगे लेवेंडर शेड, तो कलर तो बहुत ज्यादा करवा रखे हैं, इनमें से पसंद आते हैं तो ये उठाओ, अगर इनके सिवा आपके पास कोई और दुपट्टे हैं तो उनके साथ मैचिंग करवा लो। बहुत ही प्यारी सेल्फ है, फिटिंग अच्छी आएगी और सिलाई में भी कंफर्टेबल है और इजी वॉश है। अगली सेल्फ आई है अपने पास खादी जूट में, ये देखिए खादी जूट का कपड़ा है, शाइनिंग है फुल, इसके अंदर फुल शाइनिंग है
और सलवार में इनर लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कमीज कमीज में इनर लगेगा। कपड़े के अंदर शाइनिंग भी है और इनर का भी कोई चक्कर नहीं है कि 5 मीटर में इनर लगवाओ। ये देखो एक बेबी पिंक कलर करवा रखा है, ये देखिए मस्टर्ड येलो कलर, ये रहा मस्टर्ड कलर, कलर बहुत सुंदर सुंदर है। ये देखो, ये देखो, ये रेड कलर। तो खादी जूट का कपड़ा ऐसा है, सलवार के अंदर इनर नहीं लगेगा, सिर्फ कमीज में लगेगा। पार्टी वियर सूट है, देखो कमीज में तो लगेगा, सलवार में नहीं लगेगा इसमें। और अगली सेल्फ है, ये छोटी छोटी इसमें डंडियां बनी हुई है, ये देखो स्किन कलर हो गया। ये सेल्फ भी ऐसी है, इसकी पेंट बनाओगे तो बहुत अच्छी लुक है। इसके कलर करवा रखे मैंने इंग्लिश कलर, बिल्कुल जैसे डार्क में नहीं, लाइट लाइट शेड करवाई है। ये देखिए अलग ही शेड है, ये गोल्डन के अंदर आ गई, गोल्डन कलर। लुक बहुत अच्छी है इसकी और इसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा है इस कपड़े के अंदर। ये देखिए ऑरेंज कलर, ये देखो ऑरेंज कलर का सूट, ये आ गया डार्क बॉटल ग्रीन, मतलब काई कलर। ये देखिए डार्क बॉटल ग्रीन है, बहुत ही प्यारा कलर है। और ये देखिए कॉफी कलर है, कॉफी कलर के अंदर बहुत ही प्यारी सी शेड है। और ये है प्याजी कलर, मतलब इस सेल्फ के अंदर लुक बहुत अच्छी आ रही है। और ये देखिए जैसे पीतल का कलर होता है सेम वैसा रंग है, मतलब बहुत ही अलग सा कलर है। ये सिंपल सोबर कलर है, प्लेन सिलवाओगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। ये देखिए पेंट बनवाओगे तो और भी गजब की लुक आएगी। सी ग्रीन कलर है, पिस्ता कलर है। ये देखिए ये जैसे डार्क माउस कलर है, लुक देखिए इनकी कितनी सुंदर आ रखी है। और अगला कलर है ग्रे कलर, जिसको स्लेटी बोलते हैं, बीच का लेवेंडर और ग्रे कलर के बीच की शेड है। तो ये थे सेल्फ वाले सूट। जरूरी नहीं है कि हर बार हम कढ़ाई करवाएं, बिना कढ़ाई के अगर प्लेन सूट भी डालोगे, अगर आपके पास हैवी दुपट्टे हैं तो बहुत ही प्यारी लुक देंगे, क्योंकि मैं खुद भी डालती हूँ और बहुत सारे कस्टमर भी डालते हैं और ये चीज अच्छी भी लगती है। सिंपल सूट एक सिंपलिसिटी सी लगती है उसके अंदर। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नई वीडियो लेके आऊंगी, नए नए सेल्फ लेके आऊंगी, वर्क के डिजाइन होंगे नए नए, और अपना सहयोग ऐसे ही पुनिया बुटीक के साथ बनाए रखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कमी ना छोड़ें और प्यारे प्यारे सूट लेके आती रहूंगी। धन्यवाद।